राजघाट पुलिस ने 15,000 के इनामी वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने बताया कि राजघाट थाना प्रभारी अरुण पवार ने मुखबिर की सूचना के आधार पर गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित अभियुक्त कमलाकांत पांडे पुत्र राधेश्याम पांडे निवासी नगवा थाना गीडा को हरबट बंधा तिराहा के पास से गिरफ्तार किया, जिसके पास से 500 रुपये बरामद हुआ। जिसके संबंध में सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने बताया कि कमलाकांत पांडे के ऊपर जिले में कई थाने में मुकदमा पंजीकृत है और यह विनोद उपाध्याय गैंग का मेंबर है और एसएसपी ने इसके ऊपर 15,000 का इनाम भी घोषित किया था, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष राजघाट अरुण पवार, उप निरीक्षक अरुण कुमार सिंह, कांस्टेबल अश्वनी यादव, धर्मेंद्र सिंह, संदीप कुमार जोगेश सिंह, उपेंद्र मौर्य शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने कहा, गैंगस्टर इब्तिकाए 15,000 का इनामी वांछित था कमलाकांत पांडे, जिसको थाना अध्यक्ष राजघाट पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये विनोद उपाध्याय गैंग का मेंबर है और गिरफ्तार कर आज जेल भेजा गया है।